राधे कृष्णा एवरीवन, मैं हिमानी शर्मा फ्रॉम ओझा कंप्यूटर्स आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अल्टर करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। तो ये दो तीन जो ऑप्शन है वो आपके टैली के फर्स्ट चैप्टर के होते हैं। जो लोग टैली सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए जो पहला चैप्टर होता है वो होता है कंपनी क्रिएशन का, जिसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने टैली ओपन किया है तो या तो आपके पास ये स्क्रीन आ रहा होगा, तो इसमें ऑलरेडी ये कंपनी इन्फो का विंडो आता है जिसमें क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है। बट अगर आपके पास ये स्क्रीन आती है टैली ओपन करने पे, तो ये पहले से ऑलरेडी जो क्रिएटेड कंपनी है वो यहाँ पे ओपन है। अब हम कंपनी क्रिएट का ऑप्शन कैसे लाएंगे, उसके लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट F3। अपने कीबोर्ड में ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे तो कंपनी इन्फो का यहाँ पे विंडो ओपन हो जाता है, जिसमें क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है। इस पर या तो आप कीबोर्ड से स्क्रोल करके एंटर प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली सी प्रेस कर सकते हैं। तो ये एंटर करने पर ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये फॉर्म है जिसमें आपको कंपनी क्रिएशन का डाटा फिलअप करना है। जैसे हमने देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी आ रहा है, तो डायरेक्टरी में आपको कुछ नहीं चेंज करना, जो टैली सॉफ्टवेयर जिस ड्राइव में सेव है उसका यहाँ पे पाथ शो करता है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसके बाद हम आते हैं नेम में। तो नेम आपके आपकी जो फर्म का नाम है, कंपनी का नाम है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ डालती हूँ राजेश एंटरप्राइजेस, ये हमारी फर्म का नाम है। मेलिंग नेम में सेम नाम रहता है, जो भी हमारे डाटा हम मेल करते हैं उसमें आपकी कंपनी का नाम क्या रहेगा वो यहाँ पे शो करता है। इसके बाद हम एड्रेस फिलअप कर देंगे, जो भी आपका एड्रेस है वो हम यहाँ पे कंप्लीट फिलअप कर देते हैं। इस तरीके से मैंने एड्रेस डाला। यहाँ पे आप कंट्री तो आप डाल देंगे, स्टेट यहाँ पे आपको डालना है जो आपकी स्टेट है, यहाँ पे पिन कोड आपका डालना है जो भी आप, तो कंप्लीट डिटेल इस तरीके से आप यहाँ फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर या आपकी कंपनी का फर्म के लिए जो आप यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, ये क्या है, जब जिस डेट से आपकी कंपनी स्टार्ट हो रही है, ऑब्वियस ही बात है 1 अप्रैल और जो भी सन हो आपकी वो यहाँ पे आप डालेंगे। तो 1 अप्रैल 2020 हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो ये तब की है जब आपकी 2020 में 1 अप्रैल से आपकी कंपनी स्टार्ट होगी। अगर आप यहाँ चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप 1/4/2018 इस तरीके से आप डाल देंगे। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में भी सेम डेट रहती है, या फिर वो डेट आती है जब से आपके अकाउंटिंग लिखना आपने स्टार्ट किया है, तो वो डेट यहाँ पे आएगी। तो हम यहाँ सेम रहने देंगे, अगर आपके सितंबर अक्टूबर से भी अकाउंट स्टार्ट हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 अप्रैल यहाँ रहने देंगे। इसके बाद इस फील्ड में आते हैं हम सिक्योरिटी कंट्रोल में। तो यहाँ पे आप पासवर्ड सेट करते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी कि आप कंपनी में कैसे पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको स्किप करते हैं और एंटर प्रेस करके, ये बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम छेड़ेंगे नहीं, ये सेम रहता है, तो इसको केवल आप सेव कर देंगे और आपकी कंपनी एक्सेप्ट में एंटर करेंगे, आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। आप यहाँ देख रहे हैं ये दो कंपनी के नाम आ रहे हैं, ये पहले से मेरी ओपन थी और यहाँ पे ये हमने न्यू क्रिएट की है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी अल्टरेशन की। मुझे इसका नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर, जो भी हमें चेंजेस करने हैं इसमें कंपनी के डिटेल में, तो उसके लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट F3, वही ऑप्शन, और आपका कंपनी इन्फो विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं कि अल्टर का ऑप्शन आ रहा है, अल्टर में जाएंगे आप, उसके लिए आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं या मैंने बताया जो इसकी बोल्ड की है A, उसको प्रेस कर सकते हैं अगर आपको स्पीड से काम करना है तो। ये कंपनी आपसे कंफर्मेशन पूछ रहा है किसको अल्टर करना है, तो राजेश एंटरप्राइजेस हमने ओपन किया, अब हम यहाँ पे इसका नाम चेंज करना है तो हम डाल देंगे। इस तरीके से हमने चेंज किया। चेंज करने के बाद एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि आपको ऐसे ही एस्केप नहीं करना, पूरा कंप्लीट इसको सेव करना है, कंप्लीट सेव करना है आपको। अभी हमें कंपनी को डिलीट करना है, ये तो था अल्टरेशन। मैं फिर से बताती हूँ आपको, ऑल्ट F3 प्रेस करना है, अल्टर में जाएंगे और कंपनी का नाम आप अल्टर कर सकते हैं। अभी मुझे डिलीट करना है इसे, तो उसके लिए आप अल्टर में ही जाएंगे कंपनी को, और उसके बाद ये स्क्रीन यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपनी अल्टरेशन का स्क्रीन ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आप ऑल्ट D प्रेस करेंगे। और ये कंफर्मेशन आपसे इसलिए पूछता है,
क्योंकि आपका जो अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं आप, टैली सॉफ्टवेयर है तो आप ऑब्वियस ही बात है अकाउंटिंग कर रहे होंगे, तो ये जो डाटा है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या सच में आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, इसलिए ये आपसे पूछता है। तो आपको एंटर प्रेस करना है और ये कंपनी आपकी डिलीट हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको कुछ ऑप्शन बताए दो तीन, आगे मैं आपके लिए पासवर्ड का वीडियो लेके आऊँगी और कंपनी के अलग अलग एक एक मतलब स्टेप बाय स्टेप जो भी चैप्टर हैं वो आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिएगा, जिसको ब्लू कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे जो आने वाले वीडियो हैं उनके बारे में आपको पता चले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। राधे कृष्णा।